जो ओबीसी के लिए पूरे देश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम किया, तो शायद उनको लगा होगा इस जमात में वो गए थे वहाँ विकास नहीं होगा। गृह मंत्री जी ने जो पूरा संकल्प इस देश के लिए किया है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, सारे चीजों पर चर्चा करेंगे। अभूतपूर्व हवा बह रही है, यहाँ खाता नहीं खुलेगा लालू प्रसाद की पार्टी का। 5 किलो अनाज मोदी जी का लीजिए। क्या क्या तैयारी और क्या कार्यक्रम? क्या लाखों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और आम लोग जुटने वाले हैं, और जो ओबीसी के लिए पूरे देश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है उसके बारे में विस्तार से ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बताएंगे, गृहमंत्री जी भी बताएंगे, और गृहमंत्री जी ने जो पूरा संकल्प इस देश के लिए किया है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, सारे चीजों पर चर्चा करेंगे हम लोग कि कैसे 2014 से 2024 तक भारत कैसे बढ़ा है, इसकी पूरी चर्चा करेंगे। विकसित भारत एक सवाल है मुख्यमंत्री जी के, आपके गठबंधन में आने से क्या फायदा होने जा रहा है आपको? क्योंकि ये डबल इंजन की सरकार है। आप सोचिए कि पहले नरेंद्र मोदी जी 5 किलो अनाज दे रहे थे और लगभग 1,80,00,000 परिवार, अब डबल इंजन की जब सरकार बनी तो 1,21,00,000 परिवार को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने 58,00,000 परिवार को 5 किलो अनाज मोदी जी का लीजिए और 5,00,000 तक का इलाज कराने का, बीमारी का इलाज कराने का मुफ्त व्यवस्था मोदी और नीतीश सरकार ने दी। सीटें कितने रहेगी बिहार में आपके गठबंधन? अभी होगा सब पता, आपको बताएंगे, तुरंत बताएंगे। ये हमारी सोच है। अब बोलिए सवाल। सर अहम सवाल है कि आज की डेट में चुनाव के पूर्व संध्या पे आपके साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का साथ हुआ, तो इससे क्या फायदा होने जा रहा है आपके गठबंधन? ऐसा है, फायदे नफा की बात नहीं करते। नीतीश कुमार ने कहा था ना औरंगाबाद में, मैं भी था उस मंच पर ना, ये भी थे ना, कि मैं बीच में चला गया था, अब नहीं जाऊंगा, अब साथ रहूंगा बिहार के लोगों के। तो शायद उनको लगा होगा इस जमात में वो गए थे वहां विकास नहीं होगा। तो क्या ये संभावना है कि आप लोग कितनी सीटें सजाएगी, क्या संभावना है आपकी बिहार में? ऐसा है, एक बात जान लीजिए, अभूतपूर्व हवा बह रही है, यहाँ खाता नहीं खुलेगा लालू प्रसाद की पार्टी का। 40 के 40 सीट मैं बता रहा हूँ आपको, देखते रहिए। आप लोग वरिष्ठ अनुभवी पत्रकार हैं, इस बार बिहार नहीं देश के नतीजे आश्चर्यजनक ऐतिहासिक होंगे। धन्यवाद, आपने बहुत सवाल पूछा। सर थैंक यू। क्या 400 पार हो रही है आपकी? मोदी कई बार कह रहे हैं, हम लोग भी कह रहे हैं, विश्वास से कह रहे हैं। कोई सवाल? सर यहाँ का बड़ी मुद्दा थी एक रेलवे लाइन परियोजना, उसकी प्रोसेस अभी तक कहाँ तक गई है सर? अब ये सब रामगोपाल जी है ना, सक्षम सांसद बताएंगे आपको। चलिए और कोई सवाल? चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।